हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज का हमारा टॉपिक है ओट्स। जी हाँ, ओट्स यानी कि जिसको हिंदी में हम जई भी बोलते हैं। देखिए, बच्चे को ओट्स आपको देने ही चाहिए, बहुत अच्छे इसके फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि बहुत जल्दी ये बन जाता है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से आप बेबी को दे सकते हो, बच्चे को एनर्जी मिलती है और ये डाइजेस्ट जो है बहुत ईजिली हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप जो है बेबी को ओट्स कितने अलग अलग तरीके से दे सकते हो, और ओट्स देने को बेबी को जब आप ओट्स देंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिन अलग अलग तरीके से आप बेबी को जो है ओट्स खाने के लिए दे सकते हो। सबसे पहला और आसान तरीका है कि ओट्स को आप पानी में बॉईल करके बेबी को खाने के लिए दे दीजिए। बहुत अच्छा लगता है बेबीज़ को, तो ये आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि ओट्स में आप जो है थोड़ा दूध डाल के उसे बॉयल करके बेबी को खाने के लिए दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क वगैरह दे रहे हैं, तो जो है वो मिल्क डाल के आपको बॉयल नहीं करना है। पहले उस ओट्स को आप पानी में बॉयल कर लीजिए अच्छे से, और जब वो पक जाए फिर आप जो है ऊपर से ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ऐड कीजिए। इनको डालकर बॉयल नहीं करना है। तीसरा जो बहुत अच्छा तरीका है, मुझे बहुत पसंद है तरीका, वो है एक टाइप का कस्टर्ड बना के आप बेबी को दे सकते हो। कैसे कि आपने ओट्स को बॉईल कर जब पानी डालेंगे, साथ में आप फ्रूट्स डाल लीजिए, जैसे कि आप जो है एप्पल डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, उसको अच्छे से पकने के बाद अच्छे से मैश करके आप बेबी को दे दीजिए। और अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप ऐसे भी दे सकते हो। बॉयल करने के अलावा आप ऊपर से भी फ्रूट डाल के दे सकते हो। सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मतलब मौसमी फल होते हैं, वो डाल सकते हो। जैसे कि आपने ओट्स बनाया, आप ऊपर से उसमें जो है थोड़े से मैंगो डाल के दे सकते हो। बेरीज रखी है घर में, वो आप उसको अच्छे से डाल के उसको दे सकते हो। तो ये जो है आपकी चॉइस है कि बेबी को क्या क्या पसंद है, उस तरीके से आप फ्रूट डाल के बेबी को दे सकते हो। तो डबल फ़ायदा हो जाता है, एक तो ओट्स खा लेता है बच्चा और साथ में ही फ्रूट्स भी उसको मिल जाते हैं। चौथी चीज़ या चौथा तरीका जो है वो क्या है कि आप जो है ओट्स की खिचड़ी बना के बेबी को दे सकते हो। आप उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, गाजर हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, डाल के और बच्चे को खाने के लिए दीजिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। चलिए अब बात करते हैं ओट्स के फ़ायदे के बारे में, यानी कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि ओट्स बहुत अच्छे हैं और ओट्स जो हैं बच्चे को देने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों ज़रूरी है बच्चे को ओट्स देना। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है ओट्स को देने का, वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चों का बहुत अच्छा रहता है अगर आप बेबी को खाने के लिए देंगे। देखिए, जैसे ही बच्चे ने 6 महीने कंप्लीट किए हैं, तो जैसे मैंने अपने केस में पीयू को सबसे पहले जो देने स्टार्ट की थी, ऐसी चीज़ दी थी जो आसानी से वो पचा पाए। तो ओट्स जो है बहुत अच्छे से पचा पाते हैं बच्चे। तो स्टार्टिंग में देना शुरू किया, बच्चा ईजिली खा भी लेता, चाहे 2 ही स्पून खाए, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका पेट सही रहेगा। तो कुछ बच्चों को जो भी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की दिक्कत रहती है, वो सब नहीं होगी। ओट्स देने से बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है, देखिए ओट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो शुगर है बॉडी में वो कंट्रोल में रहती है। तो जिन बच्चों की अगर पहले हिस्ट्री में किसी को अगर शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको ये दिक्कत होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे अगर आप बेबी को ओट्स देंगे तो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें फ़ाइबर जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो आपको इसलिए भी बच्चे को ओट्स ज़रूर देने चाहिए। तीसरा फ़ायदा क्या है बच्चे को ओट्स देने का, देखिए इसमें जो है इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर्स दोनों होते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का वेट जो है एक सही तरीके से बढ़ेगा। कभी कभी हमने देखा है कि कई कई बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है उनको। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ बच्चों के साथ नहीं होगी, ना तो बच्चा कमज़ोर रहेगा और ना ही बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सही तरीके से बेबी का वेट बढ़ेगा और यही सही है। बच्चे को अच्छी चीज़ें खिलाइए, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, ताकि जो बच्चे का वेट है सही तरीके से बढ़े और बच्चा भी जो है हेल्दी हो। अगला फायदा जो है वो ओट्स के देने का ये है कि देखिए इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर, जैसे मैंने बताया, वो होता है और मैग्नीशियम होता है। तो ये जो है बच्चे का दिमाग शांत रहता है, सेरोटोनिन को जो है सिक्रीशन को ये बढ़ाता है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को ओट्स जो है दे रहे हैं, पहले आपको देना ही चाहिए, दिन में एक बार तो ज़रूर ही दीजिए। और क्या सही टाइम है इसको देने का, वो मैं आपको बोलूँगी कि आप मॉर्निंग के टाइम पे दीजिए, ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे देने से जैसे बच्चे को जो है बच्चा शांत रहेगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन नहीं होगा, अच्छी नींद वो ले पाएगा। तो आपको जो है बच्चे की रूटीन में एक बार तो ओट्स को ज़रूर ज़रूर रखना है, और अगर वो सुबह का टाइम है तो बहुत ही अच्छा होगा।
ओट्स का जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि वो बेबी की स्किन को जो है बहुत अच्छा रखता है। ओट्स में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि डेड स्किन को हटाते हैं और नई स्किन जो है बनाते हैं, और आप देखेंगे कि आप बच्चे को जब उसकी डाइट में ओट्स रखेंगे तो इससे जो है बेबी की स्किन जो है एक शाइन करेगी, उसमें अलग तरह का शाइन आएगा, अलग तरह का ग्लो आएगा। तो ओट्स जो है इसलिए भी आपको बेबी को देना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है ओट्स का, जो ओट्स का फ़ायदा है वो ये है कि ओट्स में जो है बीटा ग्लूकान होता है जो कि बेबी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी मतलब जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो बच्चे अगर बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं या बहुत जल्दी उनको कोल्ड कफ या कोई बीमारी जल्दी पकड़ लेते हैं तो उन केस में भी आपको बच्चे को ओट्स खाने के लिए देना चाहिए। और एक और फ़ायदा जो ओट्स को देने का है वो ये है कि ओट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो बहुत जल्दी बच्चे को इन्फेक्शंस लग जाते हैं तो वो जो है नहीं लगेंगे, और अगर लग गए हैं तो बहुत जल्दी बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भी आपको बेबी को ओट्स खाने के लिए ज़रूर देने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो बात करी हमने कि ओट्स देने के जो है क्या क्या फ़ायदे होते हैं बेबीज़ को। तो आपको जो है बेबी को एक या फिर ज़्यादा 2 बार जो है बच्चे को एक दिन में ओट्स जो है ज़रूर देने चाहिए। पर ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे को ओट्स देने लगे, तो देखिए जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं अगर आप उसको ज़्यादा दिन लग जाएंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और जो मदर जो है ब्रेस्ट फीड करती हैं यानी बच्चे को दूध पिला रही हैं, अगर वो भी ओट्स खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि देखिए कि तो मिल्क अच्छा बनता है, सप्लाई अच्छी हो जाएगी और इससे कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेशन अच्छा रहेगा, गैस वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, तो मदर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ओट्स खरीदें तो अच्छे ब्रांडेड ओट्स खरीदें, क्योंकि आप अपने बेबी के लिए खरीद रहे हो तो खुले जो है नहीं खरीदे तो अच्छा है, पैकेट वाले ब्रांडेड खरीदे। जो मैं पीयू के लिए यूज़ करती हूँ जो ब्रांड, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और ओट्स खरीदते वक्त हमेशा आपको उसके एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करनी है कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।